प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के नेपाल दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी 4th बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहां रवाना हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 8:30 बजे नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच जाएंगे। 30 और 31 अगस्त को काठमांडू में बिम्स्टेक सम्मेलन होगा। 2 दिन का ये सम्मेलन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि पिछले सम्मेलनों में जो लक्ष्य तय किए गए थे उनकी इसमें समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सुरक्षा और आतंकवाद जैसे अहम मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के साथ साथ कनेक्टिविटी और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के मसले पर भी रणनीति तैयार की जाएगी। तस्वीर आपके सामने। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 दिन का उनका यह दौरा है बेहद खास इसलिए है क्योंकि काठमांडू में बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आतंकवाद और सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। साथ ही पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में धर्मशाला का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर भी जाएंगे और वहां नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ एक धर्मशाला का उद्घाटन भी करेंगे। देखिए पशुपतिनाथ मंदिर से संवाददाता सिद्धांत सिब्बल की रिपोर्ट। मैं इस वक्त उस जगह खड़ा हूं जहां पे एक भव्य एक भवन बन चुका है। ये एक धर्मशाला है जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सौंपेंगे। ये एक धर्मशाला जो पशुपतिनाथ मंदिर है उसके पास बनाई गई है। करीब 20 करोड़ की लागत से बनी है धर्मशाला में। करीब 400 लोगों की रहने की व्यवस्था है और ये क्योंकि उस मंदिर के पास है तो जो लोग यहां पर आएंगे उनके लिए काफी सुविधा हो जाएगी। एक तरफ से भारत का एक तोहफा है नेपाल के लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी नेपाल आते हैं वो पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। उनकी दूसरी ये पूरी यात्रा होगी नेपाल की 2018 में, क्योंकि पहली बार जब वो आए थे वो 3 शहरों में गए थे, जनकपुर, मुक्तिनाथ और यहां काठमांडू। काठमांडू में वो पशुपतिनाथ मंदिर आए थे, वहां दर्शन किए थे। इस बार भी वो आएंगे, दर्शन करेंगे और साथ ही साथ ये एक भव्य इमारत नेपाल के लोगों को देंगे जो भारत ने भारत के पैसों से बनी है, भारत ने बनाई है ये भव्य इमारत जिसमें लोग आकर आराम कर सकते हैं जो यहाँ के दर्शन करे हैं पशुपतिनाथ मंदिर के, शिव के मंदिर के। और बेसिकली इसका पूरा फोकस ये है कि कैसे भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो रोटी बेटी का एक रिश्ता है। ये रिश्ता ऐसा है जो काफी पाक माना जाता है और एक तरफ से भाई भाई का रिश्ता माना जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज पटेल के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी न्यूज, काठमांडू, नेपाल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के भारत से काठमांडू जा रहे हैं। नेपाल दौरा उनका ये 2 दिन का है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नेपाल यात्रा रही है वो काफी कामयाबी के तौर पर देखी जाती रही है। उन संबंधों को मजबूती के तौर पर देखा गया है। और साथ ही इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल यात्रा को लेकर ट्वीट भी किया। वो ट्वीट आपको यहां पर बताते हैं कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। देखिए 30 और 31 अगस्त को काठमांडू में बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। सम्मेलन का मकसद बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति और खुशहाली बढ़ाना होगा। सम्मेलन में कई विश्व नेताओं से मुलाकात होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात के लिए उत्सुक हूं। साथ ही भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की भी समीक्षा होगी। पीएम ओली और मैं पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला का उद्घाटन भी करेंगे। ये उसी धर्मशाला का जिक्र है जिसकी रिपोर्ट इस वक्त आप कुछ देर पहले देख रहे थे। अब आपको यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक सम्मेलन में शामिल होने तो गए हैं लेकिन ये क्या है। दरअसल बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है जिसमें हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है कि आखिर किस तरह से एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ रणनीति बनाकर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग एक दूसरे को दिया जा सकता है ताकि जो आर्थिक बढ़ोतरी है वो आगे बढ़ सके, ग्रोथ जो है वो यहां पर दिखाई दे सके। इसी के लिए नेपाल यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले रवाना हुए थे। इस
दौरे को लेकर काफी उत्सुक भी वो हैं। ट्वीट कर इसकी जानकारी भी उन्होंने दी कि कितना खास बिम्स्टेक सम्मेलन उनके लिए यहाँ पर यह है। तो काठमांडू में बिम्स्टेक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं। दरअसल इसमें बहुत से अहम मुद्दे होते हैं जिन पर चर्चा होती है, जिसमें से आतंकवाद और सुरक्षा का मुद्दा बेहद अहम माना जाता है। इसके अलावा भी कुछ और तस्वीरें वहां से नजर सामने आएंगी, क्योंकि पीएम मोदी के दो दिन का ये दौरा यहाँ पर है।